यानी काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हो। तो सोचा यार अब बताने का वक्त आ ही गया है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि जिनको पता है सही है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोल डाला था कल। इंस्टाग्राम पे पूछा था स्टोरीज में कि समथिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊँ आने वाली यूट्यूब वीडियो में। और मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ना गवाते हुए, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला मैं ये। सो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सर, मेक वीडियो ऑन MBA ग्रेजुएट जॉब्स इन लॉजिस्टिक /SEM.org/fresher experience सैलरी रेंज एंड ऑल। यार देखो, जो भी भाई, अभी नाम किसी के है नहीं, बट सब लोगों के मैंने क्वेश्चन, सब लोगों के क्वेश्चन पिकअप किए हैं। सो जो भी है भाई है, जो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जो भी आपने लिखा है लॉजिस्टिक MBA वगैरह का। बट मैं यही कहूँगा कि विद के अंदर, हर फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप बस अप्लाई करो। और मैंने हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्ले लिस्ट। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ब्रदर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो इंजीनियर्स के ऊपर वीडियो और चाहिए प्लीज़, एंड हाँ फ्रेशर इंजीनियर की सैलरी कितनी है। देखो, इंजीनियर्स को लेके सैलरी वगैरह मैंने एक वीडियो बना रखी है, top 10 हाईएस्ट जॉब और सैलरीज को लेके, तो प्लीज़ नहीं देखिए आप मेरी। मैंने हर वीडियो में बोला है ऑलमोस्ट कि प्लीज़ मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखा करो, लेकिन कई लोग नहीं देखते, फिर से वही कमेंट्स क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ भी देखा करो। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोज़ कवर कर रखी हैं, कुवैत से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड। और यही बोलना चाहूँगा कि देखो, अभी इंजीनियर से रिलेटेड मैंने कुछ सोचा हुआ है। देखो, मैं भी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। पहली बात, मैं एक व्यूज़ कमाने के लिए और इन चीज़ों के लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एक हमारे करियर का, फ्यूचर का सवाल है, तो मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं एक कहीं से कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, और आप लोगों को ज़रूर एक अच्छी सी, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट करो, आपको ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। मुझे याद है मेरे दिमाग में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इंजीनियर्स को लेके होगी और ड्राइवर्स को लेके होगी, पूरी डिटेल में हर चीज़ के ऊपर वीडियो होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। और नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? ओके, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? मेरा फेवरेट यूट्यूबर, मोस्टली लोगों को पता ही है कि यार मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो फ्लाइंग बीस्ट है। बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं फ्लाइंग बीस्ट को, और मुंबई का निखिल। तो ये मेरे, मैं इन लोगों को ज़्यादा देखता हूँ। राइट, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो योर एज। भाई मेरी एज जान के करना है क्या आपको, ये बताओ पहले। यार काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी शादी हुई या नहीं हुई, आपकी एज कितनी है। एज कितनी है वो आपको भी पता लग जाएगा, बताता हूँ। टुडेज़ वेदर देयर, इसमें लिखा हुआ टुडेज़ वेदर। सो टुडेज़ वेदर के बारे में क्या बताऊँ, कुवैत के अंदर वेदर काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे अच्छा हो चुका है। दोपहर को हल्की फुल्की गर्मी है, बट शाम का जो मौसम है अब हल्की फुल्की हल्की हल्की ठंडी हो चुकी है, हल्की हल्की, ज़्यादा भी नहीं, हल्की हल्की, बट धीरे धीरे नवंबर फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगी अच्छी वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी होल डे डाइट की वीडियो कब आएगी सर जी? ये है हमारे सब्सक्राइबर शुभम कनौजिया, कईयों के नाम मुझे याद है कि जो रेगुलरली कमेंट्स करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, हर वीडियोस पर कमेंट करते हैं, और इंस्टा स्टोरीज में जो है मैं कुछ आस्क मी क्वेश्चन पूछता हूं तो वो ज़रूर कमेंट करते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, जिसने नहीं किया। सो इनका ये जो है होल डाइट के ऊपर, मेरी बहुत जल्दी एक मैं फिटनेस सीरीज चालू करने वाला हूं, और बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा इंस्टाग्राम पे भी, और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है डाइट से रिलेटेड। ऑल राइट, सो उसके लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ प्रोग्रेस चल रही है अभी, वो आपको बाद में पता लगेगा। थोड़ा सस्पेंस भी खेलेंगे ना आपके साथ, इतनी जल्दी हर चीज़ का जवाब तो नहीं दे सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पूरे जो भी Q&A का है। भाई आपका सॉन्ग जो आएगा उसमें मुझे भी सीन चाहिए।
सो ये है हमारे एक और सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारे जिनका नाम है संदीप सिंह सैनी। सो इनको याद है, मैं काफ़ी लोगों को मैंने जैसे कि बोला कि अगर जो भी लोग मुझे रेगुलरली कमेंट्स करते हैं अच्छे से हर वीडियो में, हर इंस्टा पे मतलब कमेंट्स करते रहते हैं हर चीज़ पे, स्टोरीज़ में और यूट्यूब की वीडियोज़ में, तो इनसे मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भाई जब आपके 1 मिलियन होंगे तो एक सॉन्ग निकालना। सो 1 मिलियन पे सोचा तो मैंने भी कि सॉन्ग ज़रूर निकालेंगे, पूरी कोशिश होगी कि एक अच्छा सा सॉन्ग, कैसा सॉन्ग क्या होगा नहीं पता, लेकिन ज़रूर निकालेंगे और हम आपको ज़रूर लेंगे, जो भी कुछ होगा हम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। ये विपिन गुजेला का वादा है, संदीप सिंह सैनी, ये मेरा वादा है। जब भी आएगा, 1 मिलियन के लिए तो खैर बहुत दूर है, जब आएगा तो ज़रूर आपको हम इनवाइट करेंगे और अपने सॉन्ग में हम ज़रूर देंगे आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू प्लानिंग टू सेटल डाउन इन कुवैत आफ्टर मैरिज? ऑलराइट, ऐसा कुछ तो देखो सोचा नहीं है, बट हाँ यार देखो इंडिया में मैंने जॉब की है बट अभी कुवैत में हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी इन कुवैत। सो हाँ आफ्टर मैरिज हो भी सकता है, और क्या पता मैं दूसरी कंट्री में सेटल हो जाऊँ। और भाई विजिट करके हर एक कंपनी में अपना CV दिया जाए तो कितना सही रहेगा? कितना सही रहेगा, देखो विजिट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, अगर आप विजिट पे आना चाहते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो है 15-20 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने ब्लैक कलर की शर्ट और रेड कलर की कैप पहन रखी, तो प्लीज़ वो वीडियो आप देखो मेरी प्लेलिस्ट में हाउ टू अप्लाई जॉब, तो वहाँ पे वो वीडियो है वो देखो अच्छे से डिटेल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको पता लग जाएगा। ओके भाई आपकी सैलरी कितनी है कुवैत में? यार देखो अभी सैलरी से रिलेटेड ये चीज़ आएगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो सैलरी से रिलेटेड मैं क्या चीज़ करता हूँ, मेरे और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल में, थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी वो, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊँ कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, अगेन मैं अपने वादे कभी भूलता नहीं हूँ। हाँ एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक दिन बाद तो बर्थडे है भाई, पार्टी हार्ड। तो हाँ सही सुना आपने, एक दिन बाद मतलब अभी जो वीडियो ये आ चुकी है 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, और यार मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं घर पे जाऊं और बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी कि यार करें अब बर्थडे यहीं पे बनाना पड़ेगा, कुछ अभी कोई प्लानिंग नहीं है बर्थडे की, और बहुत कम लोगों को अभी पता है, बट हाँ एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, कमेंट नहीं मतलब पर्सनल DM किया था, और उसने मुझे पहले ही एडवांस में बर्थडे बोल दिया, तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने जो जिन जिन लोगों ने भी, दो बंदों ने अभी तक मुझे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोला है, तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, और जो भी आप लोग करने वाले हो विशेष यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, बहुत कुछ सोचा था लेकिन क्या करें, बट इट्स ओके अब आप लोगों के साथ बर्थडे मनाएंगे। और एक और है भाई, कल इंस्टाग्राम पर लाइव कब आओगे? इंस्टाग्राम पर जैसा मैंने बोल रखा कि मैं थर्सडे को 8 बजे लाइव आऊँगा, कुवैत के 8 बजे, इंडिया के 10:30 बजे। भाई आपकी शादी हो गई या नहीं? यार अभी तो शादी हुई नहीं है, जाके वीडियो देखो। आई लव यू भैया, थैंक यू सो मच यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर यू गोइंग टू ट्रैवल फॉर योर वीडियोज़? भाई यार बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने काफ़ी बार बोल रखा है कि जब मैं इंडिया जाऊँगा तो मैं अपनी ट्रैवलिंग वीडियोज़, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है वो चालू करने वाला हूँ, और ऑब्वियसली जब भी मैं जाऊँगा तो आप लोग को इंस्टा पर पूछूँगा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो प्लीज़ जो जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे तो वहाँ मेरी हेल्प करना, और कहाँ जिस भी सिटी में मैं जाने वाला हूँ मैं अगर हो सके तो आप लोगों से मिलूँगा जो भी है, तो प्लीज़ फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, आप लोगों से पूछूँगा। सो बस यही है यार आज की, ज़्यादा कुछ इतने सारे क्वेश्चन थे, आई होप कि मैंने सब लोगों के क्वेश्चन पिकअप किए हैं, और बहुत मज़ा आया ऐसे क्वेश्चन करने पिकअप करने में, और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन इतना प्यार देने के लिए, और आज रात तक अपने 15K भी हो ही जाएंगे। चलो बस यही है यार, अब अभी जॉब से आया था, बस सोचा कि यार ये आप लोगों के लिए, कभी कभी कुछ टॉपिक मिलता नहीं है तो सोचा कि इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में आस्क मी अ क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ और आप लोगों के जवाब देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों से मेरा कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे। सो ये आज की वीडियो इतनी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना आए और बेल को ऑल पे क्लिक करना, आज प्लीज नहीं बाय। But first I tell him run it, I gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Nigel, he'll come through in a hurry.
Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried.